हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर रियल टेक्नोलॉजी। और मैं आज आपको बताने चाह रहा हूँ आपका दोस्त दीपक सिंह रसगोन की मोबाइल डेड होता है तो उसमें कितनी कंडीशंस उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण से हमारा मोबाइल डेड हो जाता है। और हमें ये पता करना बहुत जरूरी है मोबाइल रिपेयरिंग के लिए कि हमारा मोबाइल किस कंडीशन में है, उसी कंडीशन को चेक करने के बाद ही हम आगे के स्टेप में मोबाइल को रिपेयर कर पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमको मोबाइल को डेड किस कंडीशन में हुआ है उसके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आइए आपको हम इस वीडियो में बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और आगे तक एंड तक पूरा देखें, क्योंकि अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आप इस वीडियो का कंप्लीट भाग समझ नहीं पाएंगे। तो आइए चलिए। हेलो दोस्तों, मोबाइल डेड कंडीशन में चार कंडीशंस होती हैं और हमें मोबाइल की कंडीशंस के जानने के बाद ही हम मोबाइल की हार्डवेयर रिपेयरिंग के आगे पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये मैंने आपको पहले ही नोट्स लिख रखे हैं जिससे आपका टाइम बचे और वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, तो विश्वास मानिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहली कंडीशन होती है ओके कंडीशन, सेकंड कंडीशन होती है लीकेज कंडीशन, थर्ड होती है ओपन कंडीशन एंड फोर्थ शॉर्टिंग कंडीशन। शॉर्ट कंडीशन में फुल शॉर्टिंग एंड हाफ शॉर्टिंग, ये दो प्रकार की शॉर्टिंग शॉर्ट कंडीशन में आती है। तो किसी भी मोबाइल को अगर वो हमारे पास डेड आता है तो हमें सबसे पहले मल्टीमीटर के माध्यम से, जो कि मैं आपको पीछे वीडियो दे चुका हूँ और आप डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक भी देख सकते हैं उस वीडियो का, तो मल्टीमीटर से हमें उस वीडियो को इन कंडीशंस को चेक करना होता है इस कंडीशंस को चेक करने के बाद में हम आगे की रिपेयरिंग स्टेप पर पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना एंड शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो ओके कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि जिस प्रकार से मोबाइल की बैटरी में तीन टिप्स होते हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तीन टिप्स होते हैं जिसमें BSI, ग्राउंड एंड पॉजिटिव, ठीक है, ये होते हैं तीन बैटरी टिप्स, ठीक है। इन टिप्स की नॉलेज हमें होनी बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। तो अगर ओके कंडीशन में जब हम मल्टीमीटर को बीप रेंज में करके एक प्रोब प्लस साइड और एक प्रोब माइनस साइड रखते हैं, तो एक साइड अगर ओपन दैट मीन्स 1 आता है और सेकंड साइड वैल्यू आती है जैसे 300 से लेके 400 450 के समथिंग आती है, दैट मीन्स ओके कंडीशन। और अगर हमारा मोबाइल ओके कंडीशन में डेड आता है तो सबसे पहले हमें उसकी PCB क्लीन करनी होती है और क्लीन करने के बाद नॉर्मल हीटिंग उसको देना पड़ता है जिससे वो जो हमने थिनर या IP उस पर डाली है वो IP उससे सूख जाए और किसी भी प्रकार की लीकेज कंडीशन उत्पन्न ना हो इसलिए। और अगर उसके बाद सेट ऑन नहीं होता है, नो ऑन, तो हमें उसको सॉफ्टवेयर से कर जरूर देखना चाहिए। तो आगे के कुछ वीडियोस में आपको सॉफ्टवेयर अपडेटिंग के बारे में सिखाएंगे, पहले आपको हम हार्डवेयर सॉल्यूशंस बताएंगे, ठीक है। तो आगे देखिए दोस्तों, सेकंड कंडीशन लीकेज कंडीशन में क्या होता है, जैसे हमको आपको आगे ले चलते हैं, BSI स्टेप अगर लीकेज कंडीशन में इस साइड भी प्रोब रखने पर दोनों साइड पे भी वैल्यू आती है और पलटने पर भी वैल्यू आती है, दैट मीन्स चेंज करने पर भी और इस साइड वैल्यू आती है, दोनों साइड वैल्यू आती है, टू साइड वैल्यू आती है मोस्टली, तो वो लीकेज कंडीशन में आता है और मोस्टली ये वाटर डैमेज सेट में होता है। तो इसमें सॉल्यूशन पहले क्लीन कर, बाद में नंबर सॉल्यूशन हीट करने के बाद में उसको चेक करो, अगर नहीं होता है तो बैटरी उसमें इन करो और जो भी पार्ट्स मोबाइल का, जो भी मदरबोर्ड में हीटिंग देता है ज़्यादा, तो उसको चेंज करें। अगर वो IC है तो उसको थोड़ा सा हीट करें, नहीं तो उसको चेंज करें। वैसे अगर बिल्कुल ही ऑन नहीं हो रहा है तो लास्ट में हम बैंड पास फिल्टर, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा इनके बारे में स्पेशली, PFO, नेटवर्क IC, ओसिलेटर और क्रिस्टल एंड पावर IC एंड CPU, 1x1 इनको रिवॉल्विंग करना है। तीसरा है ओपन कंडीशन में क्या होता है, टू टिप्सों में
जैसे कि मैंने आपको टिप्स बताए थे तीन, यहाँ पर भी और इधर भी, दैट मीन प्लस एंड माइनस, कहीं पर भी नो बीप एंड नो वैल्यू, ना तो बीप आती है ना वैल्यू आती है, दैट मीन्स उसका ट्रैक कहीं से ब्रेक है। जिस प्रकार से कोई वायर है, इस वायर को हम बीच में से काट देंगे तो उसका ट्रैक ब्रेक हो जाता है और कोई भी वैल्यू और बीप नहीं आएगी अपने पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में जम्पर रिक्वायर्ड हो जाता है, जिसको हम स्केमेटिक डायग्राम के द्वारा लगा सकते हैं। वैसे मोस्टली माय एक्सपीरियंस, अगर वीबैट का अर्थात पॉजिटिव का जम्पर कहीं से ब्रेक हो जाता है, तो आप मोबाइल के मदरबोर्ड में वीबैट एंड वीबस लिखा हो, जहां पर भी ऐसे गोल्डन कलर में होगा टिप्स और उसके साइड में वीबस या वीबैट लिखा होगा, उन पर हमको क्या करना है, उधर से जम्पर डायरेक्ट उठा के हमको बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पिन पर लगा देना है और उसको स्टार्ट करके देखना है, ठीक है। तो ये होता है ओपन कंडीशन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आपको ले चलते हैं शॉर्टिंग कंडीशन में। शॉर्टिंग कंडीशन में क्या होता है कि एक तो फुल शॉर्टिंग होता है और एक हाफ शॉर्टिंग होता है। टू साइड बीप अगर लंबी आवाज में आए तो उसको शॉर्टिंग कंडीशन में माना जाता है। पहले उसको क्लीन करना है, हीट करना है एंड चेंज डैमेज कंपोनेंट, जो भी हीट कर रहा है उसको चेंज करना है, ठीक है। और नंबर पावर आईसी और हीट चैन, मतलब अगर तो भी वो ऑन नहीं हो रहा है डैमेज के बाद, तो उसको पावर आईसी को हीट एंड चेंज करना है। इसके बाद में हाफ शॉर्टिंग भी ऐसी होती है कुछ, लेकिन इसको टू साइड वन बाई वन बीप लॉन्ग एंड स्टॉप, ठीक है। थोड़ा बीप करेगा और फिर शांत हो जाएगा, दोबारा चेक करने पर बीप करेगा फिर शांत हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन भी सेम शॉर्टिंग कंडीशन की तरह ही होता है, ठीक है। मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो मेरी पसंद लगी हो तो यार कमेंट लाइक एंड शेयर तो बनता है, और कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना और इसको शेयर जरूर करना। मैं इससे भी आगे आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो, अभी बेसिक चल रहा है, आपको देता रहूंगा। राम राम।